ना बड़ी बड़ी साइट्स पे जाओगे ना जहाँ पर ये शादी डॉट कॉम और ये सब होते हैं, आप कभी सर्च करना वहां पर, ज्यादातर लड़कियां ठीक है ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है, ये लाइफ में अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं ठीक है तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा, समझ रहे हो, कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा। और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो तो फिर आपको यार एक दिन एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ना, तो आपको इतनी क्या अंदर से यू नो खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी अभी करना ही है यू नो। तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ, जो लड़कियों के पीछे या लड़कियां लड़कों के पीछे भागती हैं या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो अगर आप कामयाब नहीं हो तो कोई फैमिली वाला अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अब ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ में प्यार नहीं हुआ, जीने से मुझे प्यार हुआ ठीक है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ ठीक है, लेकिन उस केस में क्या ना मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था, मतलब मेरा मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन ना धीरे धीरे जैसे समझ में आता ना कि लाइफ में माय डैड सेज कि भैया अपना ख्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार ये मतलब इन सब चीजों को मैं कर भी क्या लूंगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीजें हो रही है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार मोहब्बत करते हो तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है। और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह डैम श्योर मैं कह सकता हूँ, एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ।